हाय दोस्तों, आईटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वक्त में सभी इंटरनेट यूजर के पास अपना एक ईमेल आईडी होता है जिसका इस्तेमाल वो कई जगह पे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस वीडियो को लाइक करना है या फिर इस वीडियो में कमेंट करना है, इसके लिए भी आपके पास एक ईमेल आईडी होना बेहद जरूरी है। वैसे ईमेल आईडी कई तरह के हो सकते हैं, मगर ज्यादातर सभी लोग अपना ईमेल आईडी जीमेल में ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल बेहद ही सिक्योर, फास्ट और ट्रस्टेड है। इसीलिए सभी लोग आंखें बंद करके गूगल पे भरोसा करते हैं। मैं खुद भी करता हूं। अगर आपका एक जीमेल आईडी है और वो 2 से 3 साल पुराना है, और इस 2 से 3 साल के दरमियान अगर आपको पता लग जाए कि आपने अपने जीमेल आईडी से कितनी ऐप और कितनी गेम को उसे कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आपने इस 2 से 3 साल के दरमियान आपने अपने मोबाइल में कई सारी ऐप, कई सारी गेम को इंस्टॉल किया होगा और उसे यूज करने के लिए आपने जीमेल का इस्तेमाल किया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा जीमेल आईडी कितनी ऐप और कितनी गेम के साथ कनेक्ट है। आप चाहे तो उसे वो डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं, वो भी आप अपने स्मार्टफोन की मदद से। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना होगा। हर स्मार्टफोन का सेटिंग थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। आपके स्मार्टफोन का सेटिंग किस टाइप का है वो आप देख लीजिए। सेटिंग में जाने के बाद आपको ढूंढना है गूगल को। फिलहाल मैं यहाँ पे MI A1 फोन यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे गूगल MI सर्विस के नीचे है। तो सिंपल मैं गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड ऐप्स में। अगर आप अपने स्मार्टफोन में एक से ज्यादा जीमेल आईडी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस डाउन वाले एरो पे क्लिक करके दूसरे किसी जीमेल आईडी को भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी ऐप्स और गेम आ चुकी है, और यहाँ पे कई सारी ऐप्स और गेम ऐसी है जो मेरे स्मार्टफोन में इंस्टॉल भी नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जीमेल आईडी इन सारी गेम और ऐप्स के साथ कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी ऐप्स या गेम से डिसकनेक्ट करना चाहते हैं अपने जीमेल आईडी को, तो सिंपल बस आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिसकनेक्ट पे आप क्लिक कीजिए और आपका जीमेल आईडी उस ऐप्स या गेम से डिसकनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने जीमेल आईडी को फालतू की गेम और फालतू की ऐप से डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यार लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जाते जाते इन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा, शायद आपके लिए यूजफुल हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय।